तो हेलो भाई, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस नई व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, लगभग 5 से 6 मंथ हो चुके हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था। और ये व्लॉग मंदिर का होने वाला है, जो हमारे काफ़ी फेमस मंदिर है हमारे यहाँ के, और उनमें से एक पंचमुखी, जो कि पूरे वर्ल्ड में 3 ही मंदिर है। और जो पहला मंदिर है वो है नेपाल में और राजस्थान में है। और तीसरा मंदिर है वो सुंदरलेडा, जो हमारे यहाँ से लगभग मुजफ्फरनगर से 30 से 40 किलोमीटर पर पड़ता है। और मेरे साथ है मेरे भाई लोग, ये दोनों है, ये है बुआ का लड़का, ये है चाचा का लड़का। तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ और अभी हम जंगल में रुके हुए हैं। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर मंदिर पड़ेगा। तो ठीक है, चलते हैं। मैं आपको यहाँ से एंट्री होती है, और उस मंदिर का नाम है श्री सिद्ध रुद्रेश्वर पशुपतिनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर। तो ये भाई है भाई, इस कुटिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। पहले मंदिर के अंदर चलते हैं। तो भाई वो मंदिर का तो हम सोच चुके हैं, और मंदिर का भी थोड़ा सा काम चल रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे दूसरे गेट से, ये पहले वाला गेट था वो तो बंद है, और हमें इस वाले गेट से वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अंदर चल गए। ठीक है भाई, मैं आपको उस चीज़ के दर्शन कराता हूँ जिसका मैं आपको बता रहा था। तो ये है वो शिवलिंग, जो कि काफ़ी फेमस है, और पूरे वर्ल्ड में भाई 3 ही है, एक नेपाल में, एक राजस्थान में, और अपने एक सुंदरलेडा मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और ये मंदिर लगभग 1514 ईस्वी में बना था, काफ़ी टाइम पुराना मंदिर है। ये नंदी महाराज यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। तो ये है लक्ष्मी नारायण, ये गरुड़ जी की सवारी पे है, और काफी तो ये रही वो कुटिया जिसके बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, तो लगभग 40 से 45 साल हो चुके हैं धीरे धीरे चलते हुए। और बब्बा जी, बब्बा जी थोड़ा इसके बारे में बताओगे आप, इसलिए मतलब कब से चल रहा है दीपा? 40 साल हो चुके हैं सर, और आप जब से यहीं से हो? 50 साल हो चुके हैं बब्बा जी को, और ये दीवा बब्बा जी ने लगातार जब से 40 से 45 साल से ऐसे ही चल रहा है। और देखो कुटिया भी काफी मतलब पुरानी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। और बब्बा जी ने एक बिल्ली भी पाल रखी है यहाँ पर। तो ठीक है, अब उनसे चलते हैं। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब भी यहाँ से मतलब मुजफ्फरनगर से बिजनौर वाले रास्ते में जाओगे, तो आपको बीच में सुंदरलेडा पड़ेगा। तो आप कभी भी यहाँ पे आप आके घूम सकते हो, क्योंकि अपने एरिया के पास में ये मंदिर पड़ता है, तो आप सबको घूमना चाहिए। और ठीक है, दूसरे वाले मंदिर में जाके आपको दूसरी। तो ये मंदिर है, और कहा जाता है कि ये महाभारत से रिलेट करता हुआ है। तो अर्जुन के पुत्र थे बब्रू वाहन, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, और जो शीतला माता थी, उन्होंने यहाँ पे उनको साक्षात दर्शन दिए थे, और उन्हीं के नाम पर, जो बब्रू वाहन थे उन्हीं के नाम पर ये बबरे वाली नाम पड़ा। तो ये है मेन गेट, यहाँ से हमें एंट्री करके, और इधर से होते हैं, अभी तो वहाँ पर भी काम चल रहा है, तो उधर से होते हुए हम अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं अंदर।
तो मंदिर में तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है सारे में, ठीक है। पहले ये वाला मेन गेट था, यहाँ से एंट्री करते थे, और अब हमको इधर से करनी पड़ेगी। बहुत ही जल्दी है मंदिर, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देगा आप सबको। तो कभी भी आप आओ मुजफ्फरनगर से बिजनौर वाले रोड पे, तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा और आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो भैया जी क्या हाल है? बढ़िया भैया। ये है यहाँ का मेन मंदिर जो है शीतला माता। तो भाई अब जा रहे हैं हम साईं बाबा के मंदिर, है ना। और ये भी अभी ज्यादा पुराना नहीं है, काफी मतलब 10-15 साल हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए। और अंदर आपकी एक मूर्ति देख रहे, कितनी सुंदर है। तो भाई है साईं बाबा जी का मंदिर। भैया घर पे तो मैं जल्दी आ गया था, और मंदिर के बाद में व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं कॉलेज गया था, तो वहाँ पर मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और मैं आपको अपने एक फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ जिसे अभी आए हुए 2 महीने हुए, और ये है हमारा फैमिली मेंबर पॉक्सी। पॉक्सी चेक करो भाई, जिस तरीके से पिटबुल के बारे में बोला जाता ना कि पिटबुल ऐसा है, पिटबुल ऐसा है, काट लेगा, ये कर लेगा, बिल्कुल भी इसमें वो चीज़ नहीं है। जैसा आप इसको सिखाओगे ना वो चीज़ वैसी ही हो जाएगी, ठीक है। तो भैया बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करूँगा कि आपके लिए जल्दी जल्दी व्लॉग आए। और इसे देखो अभी ये क्या करना है, ठीक है। फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी मेरा व्लॉग जल्दी से जल्दी आए, और महीने में लगभग 4 से 5 लोग आया करेंगे। तो ठीक है, अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।